3 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लेना चाह रहे हैं 2022 में, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम 3 किलोवाट सिस्टम की बात करते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोलर सिस्टम में सोलर पैनल होता है। तो पैनल जैसे दो प्रकार के हैं, पॉली पैनल या मोनो पैनल्स। मोनो में बहुत सारे इनोवेशंस हो गए हैं, मोनोपर्क आ गया है। मोनोपर्क में मोनोपर्क बायोफिशियल, एन टाइप या पी टाइप, दो तरीका के मॉडल्स आते हैं। एन टाइप थोड़ा अच्छा होता है, महंगा होता है, पी टाइप थोड़ा सस्ता होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे दोस्तों आपको बिल्कुल आसान शब्दों में और बहुत कम समय में कि 3 किलोवाट सिस्टम में क्या क्या आइटम लगते हैं, क्या क्या कीमत है। तो पहले हम बात करते हैं पॉली पैनल के साथ। अगर पॉली पैनल के साथ आप लेना चाहते हैं, देखिए वैसे पॉली पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन आप सस्ता चाह रहे हैं, तो पॉली पैनल का रेट लगभग मान के चलिए आप 20 से 25 रुपये वाट के आसपास का रेट है। तो लगभग लगभग मान लीजिए कि अगर आप 3 किलोवाट पैनल लेते हैं तो लगभग 75,000 रुपये का पॉली पैनल आ जाएगा, अगर हम 25 रुपये वाट का रेट लगाते हैं। पीसीयू की हम बात करें, जैसे मैंने बताया सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण पैनल है, फिर पीसीयू है, चूँकि ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं, बैटरी है, तीन आइटम महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम पैनल की बात कर रहे हैं, तो पैनल अगर हम पॉली लेंगे तो 75,000 रुपये का, अगर हम पीसीयू एमपीपीटी में लेंगे तो लगभग 35 से लेकर 40,000 रुपये के बीच में, और हम यहाँ एवरेज कॉस्ट लगा लेते हैं 37,000 रुपये। और तीसरा जो आइटम रह गया, चूँकि 48 वोल्ट सिस्टम होते हैं 3 किलोवाट मोस्टली ज़्यादातर कंपनियों के, तो हमें 4 बैटरी भी चाहिएंगी, तो 4 बैटरी इसमें हमने 150 एच की लेनी है। तो 150 एच की अगर हम बैटरी लेते हैं तो अप्रॉक्स में 52,000 रुपये में, 13,000 रुपये के आसपास में बैटरी मार्केट में मिल जाती है, 13 से 13.5-14 तक भी है कुछ कंपनियों के। तो मैं एवरेज लगा रहा हूँ, तो एवरेज में ये हमारा लगभग लगभग 1,65,000 रुपये में 3 किलोवाट का एक सिस्टम हम शुरू कर सकते हैं पॉली पैनल के साथ। अब यही हमें अगर अच्छी क्वालिटी के साथ जाना है तो हम बायोफेशियल के पैनल के साथ बात करेंगे, लिथियम बैटरी के साथ बात करेंगे, तो उसके बारे में मैं डिटेल बहुत कम समय में दोस्तों आपको बताता हूँ। तो पीसीयू तो हमने चूँकि पहले ही एमपीपीटी लिया है, पीडब्ल्यूएम नहीं लिया है, चूँकि बड़े सिस्टम में हमें अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, तो एमपीपीटी ही हमें पीसीयू लेना है। तो पीसीयू हमने एमपीपीटी ले लिया 37,000 रुपये का, एवरेज कॉस्ट हमने रख ली। उसके साथ में अगर हम पैनल की बात करते हैं, हम बायोफिशियल पैनल लेते हैं, एन टाइप मॉड्यूल्स, जैसा मेरे पीछे लग रहा है ये बायोफिशियल पैनल है, और ये नेक्सस सोलर एनर्जी का बायोफिशियल पैनल है 3 किलोवाट का, और ये एन टाइप मॉड्यूल के साथ है। एन टाइप इसमें जो सेल है वो एन टाइप है, मोनोपर्क एन टाइप सेल इसमें यूज किया गया है। तो अगर इसके साथ हम लेते हैं तो इसका 39 रुपये वाट का रेट है आज की डेट में, प्लस GST एक्स्ट्रा है। और अगर हम 4 बैटरियों की बात करेंगे तो ये सिस्टम अप्रॉक्स में हमें मान के चलिए कि 37,000 रुपये का हमारा पीसीयू हो गया, 1,31,32,000 रुपये के आसपास का पैनल हो गया हमारा, GST हम बात करें, और 52,000 रुपये की हमने बैटरी लगाई, तो लगभग लगभग 2,20,000 रुपये हमारी इसकी कॉस्ट आ गई है। अब इसमें हमें स्ट्रक्चर और वायर का खर्चा एक्स्ट्रा है दोस्तों। तो ये हमारा एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ रेट हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर हमें बैटरी लिथियम लगानी है, हमें बैटरी आज की डेट में चूँकि लिथियम का ज़माना है तो हमें लेड एसिड बैटरी नहीं लगानी है, लिथियम बैटरी लगानी है 48 वोल्ट। और 48 वोल्ट में अगर 86H या 100H बैटरी लगाते हैं हम, तो लगभग 1 से 1,10,000 रुपये की कॉस्ट लगभग डबल हो जाएगी। तो यहाँ हमारा सिस्टम लगभग लगभग मान के चलिए 2.5-3 लाख रुपये के आसपास का बैठ जाएगा। इसमें वायर और स्ट्रक्चर का खर्चा दोस्तों मैंने नहीं बताया है, वो एक्स्ट्रा है। तो अगर आप 3 किलोवाट सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये क्या क्या लोड चलाएगा, 3 किलोवाट जो सिस्टम है दोस्तों, तो इसमें चूँकि इनमें जो फैक्टर होता है 0.8 का फैक्टर होता है। जितने भी पीसीयू हैं, अगर हम KVA की बात करते हैं तो KVA में और किलोवाट में दोस्तों अंतर होता है। KVA एक इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा है, लेकिन अगर हम किलोवाट की बात करते हैं तो फैक्टर पावर फैक्टर होते हैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग। तो एक अच्छी कंपनी का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 का पावर फैक्टर होता है। तो 0.8 का अगर पावर फैक्टर की बात में बात करें हम, तो लगभग 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 2500 वाट के आसपास तक का हमारा लोड ले लेगा। तो इससे हम अपना एयर कंडीशन चला सकते हैं, समरसेबल चला सकते हैं 1.5 HP तक का घरेलू समरसेबल अगर हम चलाना चाह रहे हैं, अपना TV पंखा फ्रिज चला सकते हैं, क्योंकि पैनल की क्षमता है बढ़ जाएगी, 3 किलोवाट सिस्टम है तो इसमें 3 किलोवाट MPPT टेक्नोलॉजी साथ ले रहे थे, 3100 वाट 3200 वाट तक का ये पैनल झेल लेते हैं अच्छी कंपनी की अगर पीसीयू की हम बात करें दोस्तों। तो आप इतने बजट में अपना 3 किलोवाट का सिस्टम ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एक बार शॉर्ट में और बताता हूँ दोस्तों, चूँकि वीडियो लंबी ना हो, सोलर सिस्टम के अंदर 3 चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लेकिन आइटम 4 होते हैं, नंबर 1 पीसीयू, नंबर 2 सोलर पैनल, नंबर 3 बैटरी और नंबर 4 स्ट्रक्चर वायर।
तो अलग अलग मैंने रेट एक बार फिर बता देता हूँ आपको, 37,000 रुपये के अप्रॉक्स में हमने पीसीयू लगाया है एमपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में। कुछ कंपनियों का 35 भी होगा, कुछ होगा 40 भी होगा, तो हमने एक एवरेज रेट लगाया है। अगर हम पोली पैनल के साथ लेते हैं तो 75,000 रुपये का हमने पैनल लगाया है, 25 रुपये वाट के हिसाब से एवरेज में। अलग अलग कंपनियों का थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। और 52,000 रुपये की हमने इसमें 4 बैटरी लगाई हैं, चूँकि 48 वोल्ट का ही सिस्टम है। तो ये हमारी कॉस्ट यहाँ लगभग, अगर पोली पैनल के साथ हम 3 किलोवाट सिस्टम लगाते हैं 2022 में, तो हमारी जो कॉस्ट है अप्रॉक्स में 1,65,000 रुपये है। अगर हम जाते हैं बाईफेशियल पैनल के साथ में, तो ये कॉस्ट हमारी बढ़ के, बाईफेशियल पैनल का रेट है लगभग 40 रुपये वाट के आसपास है, 39 रुपये वाट आपका आज का रेट है, प्लस GST है। तो ये लगभग हमारी कॉस्ट बैठ जाती है 2,20,000 के आसपास। इसमें ही हम अगर लिथियम बैटरी के साथ चले जाते हैं लेडेस्ट बैटरी को हटाने के बाद में, तो कॉस्ट में और 50 से 60 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। तो यही कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है 2,75,000 रुपये के आसपास। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने प्रयास किया है शॉर्ट में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, सर रेट आप नहीं बताते हैं, तो मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है बहुत जल्दी और कम समय में आपको सारे रेट क्लियर कर दूं और वीडियो को बिल्कुल अननेसेसरी ना लंबी की जाए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं फिर भी और क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट्स का स्वयं पढ़ के जवाब देता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।